बैंकॉक का सरोजनी देख लो। गाइस अबे तू तो काशिप के साथ हो रही है ट्विनिंग। गाइस ये है मेरा फुल आउटफिट। इन्नू को अभी भी शक हो रहा है कि हलाल है या नहीं है। गाइस क्या लबाबदार और लजीजदार खाने, जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। तो हम लोग बैठ चुके हैं टुक टुक पे। गाइस मेरी शॉपिंग तो डन हो गई है। क्यों मतलब? तो गाइज अब हम आ चुके हैं अपने न्यू होटल में। मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है बैंकॉक से। मैंने आपको बोला था मैं यहाँ मिलूंगी और मैं मिल गई और अब हम लोग आ गए न्यू होटल। चलो देखते हैं कि हमारा रूम कैसा होता है। तो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी और ये है मेरा फुल आउटफिट ब्लैक और अभी मैं जा रही हूँ मॉल शॉपिंग के लिए। भागो 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 भागो। इधर से कितना प्यारा लुक है, बालकनी टाइप। बीची वाइब से हटके हम आ चुके हैं अब सिटी वाइब में। बीची वाइब खत्म और हम दोनों ने कर ली है ट्विनिंग। दिखाओ अपनी आउटफिट, दिखाओ। आई अबे तू तो काशिप के साथ हो रही है ट्विनिंग। ये हमेशा हम लोगों के साथ कर लेता है, पता नहीं क्या है। गाइस यहाँ पे बहुत सारे एयर होस्टेस आए हुए हैं। हमारी कैब भी आ चुकी है तो फटाफट से निकलते हैं। मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि शॉपिंग करनी है। शॉपिंग स्टार्ट है गाइस। ये यहाँ से बाहर निकल के दुबई वाला ऐसे ही था ना, याद आ गई एकदम से। गाइस ये सारे एयर होस्टेस का बैग आया है, इस पे लिखा भी हुआ है। गाइस यहाँ पे कैप्टन है, कैप्टन अमेरिकन। चलिए मैम, मैम के लिए हमेशा मैं गेट खोलती हूँ पर मैम कभी मेरे लिए नहीं खोलती। तो गाइस अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, कोई मार्केट है, मुझे नाम पता नहीं पता भाई कौन सा मार्केट है ये बैंकॉक का। गाइस ये कुछ ऐसा दिखता है। वाओ यार अच्छा लग रहा है। बैंकॉक का सरोजनी देख लो। ये देखो स्कार्फ वाला टॉप। तो गाइस अब आ गए हम बैंकॉक के सबसे पॉपुलर मॉल में जो है प्लैटिनियम मॉल। तो चलो अब देखते हैं इसके अंदर क्या है और कैसा माहौल है। सब कुछ सर्च करके आई थी कि कहाँ पे क्या क्या मिलता है तो यहाँ भी देखना था मुझे। तो चलो अब चलते हैं इसके अंदर। गाइस ये है यहाँ का पूरा फूड मार्केट, अलग अलग तरीके की चीजें। गाइस पहली बार हम चढ़ने वाले हैं टिक टुक पे, पर ये दिल्ली वाला ई रिक्शा नहीं लग रहा, जैसे ही लग रहा है मुझे तो। हम लोग बैठ चुके हैं टुक टुक पे, टुक टुक गाड़ी, टुक टुक गाड़ी। ये देखिए डिस्को बना रखा है, टुक टुक गाड़ी, टुक टुक गाड़ी। डंडे लो डंडे, डिस्को बिल्कुल बना रखा है, डिस्को। बैंकॉक भी बहुत ही अच्छी जगह यार, मज़ा आ गया मुझे यहाँ पे मार्केट देख के, शॉपिंग देख के। और यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है ट्रैफिक, लेकिन सब कुछ सही है बाकी। और ये टुक टुक भी मस्त है, ये देखिए। हाय गाइस आ चुकी हूँ मैं टुक टुक राइड से वापस। देखो ज़रा सा बर्गर खाया, मेकअप किया, ऐसे की तैसी मार दी मैंने। जैसे कि आउटफिट मैंने यूज़ नहीं किया ना फोटो की, ना मैं घूम पाई, एक घंटा घूमना इस आउटफिट में। ये आउटफिट मैंने हांगकांग से दिया था गाइस, और इतना एस्थेटिक आउटफिट है ये, तो इसको मैं दोबारा यूज़ करूँगी यहीं कहीं जाऊँगी तो कुछ और पहनूंगी, लेकिन इसको मैं सोच रही हूँ लास्ट डे पहनूँ और अच्छी सी पिक्चर क्लिक कराऊँ। मेरी इयर रिंग कितनी एस्थेटिक है, सिर्फ वन ईयर में पहनने वाली इयर रिंग है। देखो मेरा नाम का मतलब भी मून है ना, तो इसलिए मून है ये। देखो तो गाइस हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है और अभी थोड़ी देर में हमारा खाना आ जाएगा। यहाँ आ गए हम खाने के लिए। गाइस क्या लबाबदार और लजीजदार खाना है, मिक्स सैलेड। तो गाइस मैंने मंगवाया ये और कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और ये सारा खाना है तो चलो अब खा लेते हैं। तो गाइस अभी हो गई है सुबह और आज लोग उठ गए हैं अभी 9 बजे, और अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने क्योंकि हम लोगों को ना जल्दी निकलना है आज घूमने के लिए, क्योंकि कल देख लिया ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो भाई सब कुछ आज जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। पहली बार कहीं हम बाहर आए हैं और किसी होटल में इतना अच्छा खाना है, मतलब इंडियन, जिन लोगों ने रख रखा है इनको पता है इंडियंस आते हैं। और ये जो नाखून टूट गया ना मेरा, बड़ा बुरा लग रहा है। तो गाइस हम लोग आ गए अपना ब्रेकफास्ट लेके, और यार खाने को गिनी चुनी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, बाकी तो कुछ समझ नहीं आया। छोले चावल है और कुछ समझ नहीं आया, तो बस फिर से। गाइज ये है मेरा फुल आउटफिट और मैं रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए, और मुझे बताना कि मैं जितने भी आउटफिट्स पहन रही हूँ वो कैसे लग रहे हैं आपको। प्रॉब्लम ये है कि हम चप्पल से भी की लेकर आए, गाइज हील्स लेकर आई हूँ, पर यहाँ औकात नहीं है हील्स पहनने की, बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, फिर इधर उधर जाना पड़ता है, फिर टेम्पल वेम्पल भी है यहाँ, तो अजीब सा हो जाता है क्योंकि
अनकंफर्टेबल फील होता है, तो मैं यहाँ क्रॉक्स लूंगी। तो चलो गाइस अभी चलते हैं बाहर, अब हो गया है टाइम हमारा और सब लोग रेडी हैं, सब लोग रेडी हैं ए टू जेड लोग। नहीं ईयरफोन जब है तो एयरपॉड लेने की क्या जरूरत है गाइस। यहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज्यादा होती है ना कि कैब वाला जो है ना वो मिलता भी नहीं है कोई, और ऊपर से कैंसिल अलग कर लेते हैं और टुक टुक से जा नहीं सकते क्योंकि ऐसा लगता है एरोप्लेन चल रहा है, इतना स्पीड होता है उसमें। तो यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक प्रॉब्लम है। चलो गाइस ठुक ठुक से ही चलना पड़ेगा लगता है हमें, बालों की धज्जियां उड़ने वाली है, इसलिए मैं सोच रही हूँ अपनी कंघी साथ ले लूँ, ठीक है, वरना तो हमारे बालों की अभी बैंड बजने ही वाली है। लेके जाते हैं इसमें सारी जरूरी चीजें होती है, बेल्ट लगाना चाहिए था क्या। चलो गाइस अब फाइनली हम बाहर निकल रहे हैं। दिल करता है कि कब ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो वैसे तो अभी हम लोग लंबा ही रहने आए हैं यहाँ तो आराम से रह लेंगे, पर घूमने की जगह बहुत है और ऐसा लगता है दिन भी कम है। ऐसी पटाया में हमने ना एक दिन पूरा वेस्ट कर दिया, फोटो वीडियो खराब करने की इसको आदत बहुत ज्यादा है गाइस, क्या कर सकते हैं बताइए। गाइस ऐसे धूप है ना कि सर दुख गया भाई निकलते ही, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सर पे तांडव कर रहा है, मतलब दुबई से भी घटिया धूप है यहाँ पे। हाँ गर्मी क्यों है, निकलते ही मेकअप की बैंड बच जाएगी, सच में बालों की बैंड बच गई है गाइस। मुझे लगा ये बिना सर वाले कौन से लोग हैं गाइस, धूप में आते ही ना बाल खराब मेकअप खराब सब हो जाता है। यहाँ पे पूरा वो मिल रहा है इसका आउटफिट इस टेम्पल में जो पहन के जाते हैं। यार मैं तो कैब में सो गई थी भाई, इतनी लंबी कैब थी, मतलब है ना ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा कि बंदा बस ट्रैफिक प्रॉब्लम है यार, बाकी ठीक है बस ट्रैफिक बहुत प्रॉब्लम है इधर। जैसे गुड़गांव में ट्रैफिक होता ना बिल्कुल वैसा ही, कि गाड़ी नहीं खींच सकती। गाइस हम लोग फाइनली, हम लोगों ने एंट्री ले चुकी है। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मैं पंखा लेके घूम रही हूँ सच में, और बस धूप ऐसी है, ऐसी धूप है कि बंदा पता नहीं लू लगता है, बेहोश हो रहा है और पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर। मेरे पूरे व्लॉग में आप सिर्फ गर्मी गर्मी देखोगे, लेकिन कोई बात नहीं, इन्जॉय करना है हमें, जगह का आनंद लेना है पूरा। और कितना प्यारा व्यू है भाई, दिखाती हूँ मैं आपको। चलो गाइस अभी अंदर देखते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। मेकअप खराब ना हो भी रात तक चलाएं, सिर्फ पंखा तो हमें चलाना ही पड़ेगा ना। और यहाँ पे हम आउटफिट भी पहन सकते हैं, पर वो आउटफिट बड़ी चुभने वाली है। देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है। अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए ना यहाँ पे बैठ गए हैं, ऊपर जाने का बिल्कुल अभी हिम्मत ही नहीं हो पा रही, इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, हालत खराब है निकल का। गाइस यहाँ पर ये लोग फोटो शूट करवा रहे हैं वाटर रोड में, जरूरी है यहाँ पर, सबके सब यहाँ पर फोटो ही खिंचवा रहे हैं, जगह ही ऐसी है, अब देख लो। गाइस अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे फोटो शूट किया है, सब कुछ कर लिया है, जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये देखो आप, मतलब अलग ही व्यू है, अलग ही माहौल है और बहुत ही अच्छी वाइब भी है यहाँ की, बस गर्मी में परेशान कर रहा है। वैसे तो जगह एक नंबर है भैया, मस्ट विजिट वाला प्लेस है और मजा आ जाएगा आपको देखकर। और बाकी अंदर से कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फिलहाल तो धूप ने सबकी जान नहीं रखी, पता है सबका मेकअप बहरा भाई, हर किसी का, सबने जो मेकअप करवाया है ना अपना जो भी ड्रेस के साथ भाई, सबके मुंह पे पसीना और मेकअप बहे जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं यार, फोटो के लिए लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है, जो कि हमने भी किया। तो चलो अभी मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है पूरा। तो गाइस यहाँ का काम हो गया हमारा, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, एक मार्केट है वहाँ के लिए, 20 मिनट का रास्ता है यहाँ से। भाई कैसे इतनी गर्मी में कोई पागलों की तरह फोटो खींच सकता है, मतलब उसमें मैं भी हूँ, सारा लुक बना के आओ खराब हो जाता है एक सेकंड में, मेकअप की ऐसी की तैसी बैंड बच जाती है। और पानी पता है ठंडा पानी हम लोगों ने लिया था, 2 मिनट के अंदर वो पानी बिल्कुल गर्म उबला हुआ हो गया, बिल्कुल सच में घूमना भी ना, ऐसा लगता है ट्रिप पे की एक काम ही है वो। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं यहाँ के मार्केट में, जिसका नाम है चतुर्चक और ये वीकेंड मार्केट है, यानी कि फ्राइडे ही होता है। तो अभी हम यहाँ एक्सप्लोर करने आए हैं और देखते हैं कैसा होता है, शॉपिंग वाली जगह लेके आ जाओ बस, मुझे उसमें गर्मी भी लगी तो कोई बात नहीं। गाइस ये कुछ ऐसा लगता है भाई, दिल्ली की बस लग रही थी, तो फूड ट्रक है ये, मैंने पहली बार फूड ट्रक देखा है।
हलाल कहाँ है? हलाल देखते ही नजर जाती है हमारी, गर्मी में कौन ही खाएगा। कहते हैं अमेजोन चले कोई कोल्ड कॉफी पीते हैं, ठंडा एकदम। कि भाई पसीने से हालत खराब है भाई इसकी, देखो गाइस जैसे ही अभी अंदर बैठे हो ना, ऐसा लगा दिल में सुकून और फिर एहसास पता चला कि एसी का इजाद जिसने भी किया है वो कितना बड़ा महान इंसान था। बॉडी का टेम्परेचर घुसते ही लो बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि धूप ना मेरे दिमाग में घुस गया है, अब इसमें से निकाल कर मैंने बाहर फेंका। तो गाइस कॉफ़ी आ चुकी है तो चलो पी लेते हैं और फिर बाहर चलते हैं। तो चलो गाइस अभी कुछ खा लेते हैं पी लेते हैं, यहाँ से हम ले रहे हैं हलाल फूड। आज हम हलाल कर गया है ऐसे ही बोलते हैं, इन लोगों को अभी भी शक हो रहा है कि हलाल है या नहीं है। चिकन है वहाँ। अरे यार जब लिख रखा तो हलाल ही होगा ना। कल जिस मार्केट में थे हम लोग वहाँ सा हिजाब वाली लड़की आती थी उस पर थोड़ा सा वो हो रहा था। फर्स्ट बाइट गाइस, क्या खा लिया क्या खा लिया, उसकी बारी, क्या खा लिया क्या खा लिया। 10 सेकंड में तेरे को ये रोल खत्म करना है, चैलेंज है। 4 कैसा है? हालत खस्ता है गाइस इसकी। शक्ल अच्छी नहीं आ रही है फोटो में, लेकिन फिर भी खींच रहा है फोटो। मेरे को नहीं खाना, मेरे को वैसे भी पसंद ही नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ पसंद है किंग रोल, वो भी एग रोल, ना कि चिकन रोल। देख लो भाई तुम लोग खा लेना उतना ही लेना, बर्बाद भी लेना। ज्यादा टेस्ट वेस्ट करने के चक्कर में ज्यादा आ गया तो फिर वेस्टेज ऑफ फूड हो जाएगा ना। और मैंने प्यारी और बहुत ही सॉफ्ट गर्ल वाला लुक किया है मैंने आज। और जब मैंने ये ड्रेस ली थी ना, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मेरे पे तक चमकेगा, पर मैं इतनी प्यारी और बेहतरीन लग रही हूँ माशाल्लाह। और मेरी एक बहन है चुड़ैल बहन, उससे आप मिले नहीं होंगे। वो है गाइस, मैं तो सुन रही हूँ यहाँ बैठ कर सारी चीजें, सुन ही रही हूँ बस। विच सुनते हो? मैं सामने से सुनती रहती लाइव। विच लाइव? विच का मतलब वी, मतलब वी वो कोरियन वी BTS वाला। चो मतलब गाइस, ये कुछ ऐसा दिख रहा है और हम लोग वहाँ बैठे हैं। भाई यहाँ का जो गेट वेट खुलता है ना, उसमें से एसी की जो हवा आती है, मन खुश हो जाता है। अभी जब तक ये लोग खा रहे हैं तब तक फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे शॉपिंग के लिए, क्योंकि बैंकॉक में यार क्या ही घूमेंगे हम लोग। मेन हम लोग सिर्फ यहाँ पे शॉपिंग के लिए बैंकॉक आए हैं, वरना तो मज़े तो हमने पटाया में कर लिए। जो वाइब थी वहाँ की बहुत मस्ती की, इतना आप लोगों को हम लोगों ने व्लॉग में नहीं दिखाया होगा, क्योंकि फिर ना कैमरे के चक्कर में ना मज़े नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने कैमरा ऑफ में भी बहुत मज़े किए हैं गाइस। हमने सामने देखा बड़ी क्यूट चीज़ें मिल रही है, तो बस अब मैंने बोला पंखा बंद करो, सब बंद करो, गर्मी भूल जाओ, शॉपिंग पे टूटो। और ये देख लो क्या क्यूटनेस है, क्यूट क्यूट मिल रहा है। ओके गाइस चश्मे की शॉपिंग कर लेते थोड़ा। गाइस कितने प्यारे प्यारे फ्रेम्स है भाई। गाइस मैं अंधी हूँ तो मैं अपने लिए फ्रेम ले सकती हूँ ऐसा ऐसा और ये वाला कलर। वाह 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 ले ले तू। गाइस इसने अभी तक शॉपिंग नहीं करी, पता नहीं ये क्या करना चाहता है। ये दूसरी ट्रिप पे आके शॉपिंग करेगा, दूसरी बार आएगा ये अभी देख रहा है बस। थोड़ा अलग डिजाइन ले लो, हमेशा एक जैसा ही लेता है। थाईलैंड के मिनीस हो मैं आ गई भाई, कितनी क्यूटी क्यूटी चीज है। गाइस अब हम जा रहे हैं दूसरे मार्केट, अब हम सचुक को बाय बाय करते हैं जो भी इसका नाम है। हाय अल्लाह, क्यूट क्यूट चीजों की कमी नहीं है यहाँ पे। गाइस तो हम आ चुके हैं सेंट्रल वर्ल्ड और ये कुछ दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे भी मार्केट मार्केट भाई मार्केट से भरा पड़ा है। ये देखो ये आंटी रबर बैंड बेच रही है, क्यूट लड़के और लड़कियाँ निकल रही है यहाँ से। और अभी हमें ये क्रॉस करके ना उस साइड जाना है, जैसे कि हम DLF मॉल के उसमें क्रॉस करके जाते हैं GIP से, है ना। बाल की धज्जी उड़ गई है गाइस। गाइस काफी अच्छा व्यू है यहाँ पर, मस्त है बिल्कुल। और ये देखो ना कितना गिर जाते, और ये कितना बड़ा है यार सेंट्रल वर्ल्ड, भीड़ बहुत ज्यादा है। हम आ चुके हैं सेंट्रल वर्ल्ड मॉल में और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ सिफोरा, क्योंकि इस मॉल में मेरा काम यही है सिफोरा का। तो वहाँ से देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है, क्या नया है, एक्साइटेड। अभी ढूंढना है यार किधर हो सकता है। ये तो है पर यहाँ पे सारे वो कोरियन या फिर थाईलैंड ब्रांड जो भी है, ब्यूटोरियम ये है यहाँ पर सिफोरा के अंदर। तो गाइस हमें सिफोरा मिल गया है, देखने के बाद अलग खुशी हो जाती है। जब अंदर देखते हैं क्या क्या, वैसे रिकॉर्डिंग तो अंदर अलाउड नहीं होगी पर मैं बाद में दिखा दूँगी मैंने क्या क्या लिया, ठीक है। अभी अंदर शॉपते हैं। तो गाइज मैंने अभी बहुत सारी शॉपिंग कर ली है यहाँ पे, मुझे जो लगा वहाँ यहाँ मुझे जो चाहिए था वो ले लिया मैंने, और बाकी सारी चीज़ें और इंडिया में अवेलेबल है, बाकी सब तो ले ही लिया मैंने। गाइज मेरी शॉपिंग तो डन हो गई है और अब
चलो मैंने यहाँ पे परफ्यूम देखा है, पर मैंने सोचा कि मैं इंडिया से ही लूँगी क्योंकि सेम प्राइस ही है, तो इससे अच्छा मैं आराम से इंडिया में ही अपने। अभी अभी हम लोग आ गए हैं रूम के अंदर और अब डिनर टाइम भी हो गया, तो फटाफट से चेंज कर गए फिर हम चलते हैं नीचे। बैंड बज गई है, बैंड भाई सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाया भी मैं इन लोगों ने तो फिर भी रोल खाया था। मेरा नाम मतलब मैंने लिया पर रख लिया। आप लोगों ने ब्लॉग भी देखा ही होगा। हाँ। और अभी हम लोग जा रहे डिनर के लिए क्योंकि मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद से गाइस एक निवाला नहीं खाया है कुछ भी, बस पानी पिया है, कॉफी पी थी, बस दैट्स इट। मुझे कमेंट में बताना कि मेरा ये प्यारा क्यूट आउटफिट कैसा लगा, और ढेरों शॉपिंग कर ली है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी के लिए मैं बाद में मिलती हूँ अपना नाइट सूट चेंज करके। गाइस चलो अब चलते हैं डिनर पर और देखते हैं क्या पता सेम डिनर हो या फिर अलग हो, पता नहीं। एक तो मुश्किल से इंडियन खाना मिल रहा है वो गनीमत, और मुझे सर्वाइकल पेन हो गया, सामान इतना उठाया है, सबकी हालत टाइट भाई, सबके पास इतना सामान था कि बंदा मतलब फ्री ही नहीं हो पा रहा था, हाथ ही फ्री नहीं था। कैसे कैसे हम लोग इधर उधर कर रहे थे ना वो हम लोगों को ही पता है। तो अभी हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं कि क्या खाना है हम लोगों को, और बड़े ही कंफ्यूज्ड हैं क्या मंगवाएं, और ये पूरा इंडियन मेन्यू है। मैंने मंगवाया है ये एक सैलड है, थाई सैलड और फ्रेंच फ्राइज और इंडियन करी, और मेरा एक और डिश आ रहा है, बेस्ट भाई लग रहा है ये सैलड, मेलन सैलड है ये।